नेक्स्ट एप्लीकेशन गॉसियस लॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मीन्स होलोस्फीयर। हमें क्या करना है, होलोस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब किसी भी पॉइंट पे होलोस्फीयर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इसके अंदर क्या है कि ये पॉइंट इट में बी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इट में बी ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, इट में बी इनसाइड द स्फेरिकल शेल। इसमें हमारे पास तीन कंडीशंस हो सकती है कि पॉइंट हो सकता है स्फेरिकल शेल के बाहर हो सकता है उसके सरफेस पे हो, और हो सकता है वो स्फेरिकल शेल के अंदर हो। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं इसमें, एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल। इमेजिन ए स्फेरिकल शेल, होलोस्फीयर इमेजिन करते हैं, सेंटर ओ, रेडियस कैपिटल आर। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, डिस्टेंट आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, वहां पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, गाउसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। गाउसियन सरफेस जो हम इमेजिन करेंगे वो होगा स्फेरिकल, कोसेंट्रिक लेंगे स्फेरिकल शेल से, एंड पॉइंट पी सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द गाउसियन सरफेस। पॉइंट पी जो है उस गाउसियन सरफेस के ऊपर होना चाहिए। चलो इमेजिन कर लिया हमने गाउसियन सरफेस, स्फेरिकल है, रेडियस स्मॉल आर। टेक ए स्मॉल एरिया एलिमेंट, ब्लू कलर में हमने एक इरेगुलर शेप में एरिया एलिमेंट ले लिया ds, एंड द एरिया वेक्टर ऑफ दिस एलिमेंट परपेंडिकुलर टू दिस एरिया सरफेस दैट इज रेडियली आउटवर्ड। द स्फेरिकल सेल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, लेट टोटल चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल सेल q, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिवली चार्ज है, आउटवर्ड होगा, स्फीयर है तो डायरेक्शन जो आएगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। इट मीन्स ई वैक्टर एंड डी एस वैक्टर पैरेलल टू ईच अदर। लगा दीजिए गाउसियस लॉ, हमारे पास एक ही है ऑप्शन, गाउसियस लॉ, फाइ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू वी हैव ओनली चार्ज गिवन टू द स्फेरिकल सेल दैट इज क्यू, हमने ओनली क्यू चार्ज स्फेरिकल सेल को दिया है। चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑन द स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल सेल, दैट्स वाई, क्योंकि होलोस्फीयर है, अंदर कुछ नहीं है तो अंदर कोई रीजन नहीं है चार्ज स्टे करने का, तो पूरा चार्ज जो है उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कंप्लीट जो सेल है वो कहाँ है, गाउसियन सरफेस के अंदर है, तो सिग्मा क्यू हमारे पास क्यू के इक्वल आएगा। एंड इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, हेयर थीटा 0 degree, सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 पुट कीजिए। इंटीग्रेशन डी एस हम आउटसाइड ले रहे हैं तो ई को हमने यहां पे ई नोट से डिनोट किया है, ई आउटसाइड, एंड द पॉइंट ऑन गाउसियन सरफेस, कहीं भी पॉइंट ले लीजिए गाउसियन सरफेस पे, स्फेरिकल सेल से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, आउट ऑफ इंटीग्रेशन कर दिया हमने। ई नोट इंटीग्रेशन डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अब इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, सरफेस एरिया के लिए है। सरफेस किस टाइप का है, स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² वैल्यू पुट करेंगे, 4πr² इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, तो ई नोट कैलकुलेट करेंगे, ई आउटसाइड इक्वल्स टू क्यू बाई 4πr² एप्सिलॉन नोट, क्यू बाई 4πr² इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है। अब हम बात करते हैं सेकेंड, एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शेल, अगर ये पॉइंट पी हमारे पास इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पे आ जाए तो क्या करना है,
जो गाउसियन सरफेस है उसको भी वहीं ले आओ, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, रिमेनिंग डेरिवेशन एज इट इज रहेगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इसी फॉर्मूले में स्मॉल आर रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर, ई सरफेस इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू चार्ज गिवन टू स्फेरिकल सेल कॉन्स्टेंट, हम चेंज नहीं कर रहे, आर रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल गिवन स्फेरिकल सेल है गिवन रेडियस है ये भी कांस्टेंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, मैक्सिमम होगा। कैसे होगा मैक्सिमम, आगे वाले पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। थर्ड सी, एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल अगर पॉइंट पी प्लेस्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल देन गाउसियन सरफेस इज ऑल्सो इनसाइड द स्फेरिकल सेल, देन द चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गाउसियन सरफेस विल बी जीरो, गाउसियन सरफेस में कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर गाउसियन सरफेस में चार्ज नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा हमारे पास, जीरो। आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑन द सरफेस मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट इनसाइड जीरो। नाउ वी रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को शो करेंगे डिस्टेंस के साथ, ई और आर में ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए ये प्रैक्टिस भी करके देखते हैं, वेरिएशन ऑफ ई विद आर, हमने अपना स्फेरिकल शेल ड्रॉ कर दिया अलोंग ओ सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, कैपिटल आर रेडियस ऑफ दिस शेल अलोंग एक्स एक्सिस, आर ले लीजिए डिस्टेंस, अलोंग वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। आपने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, ये डॉटेड लाइन जो है कहाँ पे जा रही हैं, सर्कमफ्रेंस पे शेल के, इट मीन्स ये डॉटेड लाइंस एक्स एक्सिस को मीन्स डिस्टेंस एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट होगा स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर मीन्स डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए आर इक्वल्स टू आर के, इन बिटवीन डॉटेड लाइन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर मीन्स यहाँ पे जो पोर्शन है ये क्या है, इनसाइड द सेल का है। डॉटेड लाइन के दोनों साइड में आर ग्रेटर देन कैपिटल आर मीन्स आउटसाइड द शेल। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं इनसाइड द शेल, ई इनसाइड जीरो था हमारे पास, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता इनसाइड द होलोस्फियर, तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द इलेक्ट्रिक सॉरी स्फेरिकल सेल जीरो, तो जो ग्राफ आएगा वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। ऑन द सरफेस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, मैक्सिमम है कॉन्स्टेंट है, तो मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, डायरेक्ट कहाँ पे, सरफेस पे, तो ये सरफेस में मैक्सिमम। आउटसाइड, आउटसाइड हमने देखा क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे, एज यूजुअल जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है स्क्वायर के लिए वो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो ये है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस आर। नेक्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, हमने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया सेंटर ओ रेडियस कैपिटल आर, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर भी किस टाइप का है, कंडक्टिंग स्फीयर है। अब हम इस स्फीयर को क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं, मीन्स दिस स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, दिस पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। आपने नोट किया क्या हुआ, हमने इसको जो चार्ज दिया था जो प्लस क्यू चार्ज हमने इसको दिया था, अभी देखो इसको जैसे ही हमने चार्ज दिया, जैसे ही हम चार्ज देंगे
ये पूरे का पूरा चार्ज जो है ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड द चार्ज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जीरो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज जो है उसके अंदर चार्ज कितना हो गया, जीरो। इट मीन्स अ चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बिहेव्स लाइक ए स्फेरिकल शेल। सेम हमारे पास वही बन गया जो स्फेरिकल शेल था, अंदर चार्ज जीरो, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस। अब है कि ये टोटल चार्ज सरफेस पे क्यों आया, हमारे पास जो कंडक्टर है स्फीयर जो है वो क्या है, एक कंडक्टर है, और कंडक्टर जो है वो क्या करता है, चार्ज को इजीली फ्लो करता है, मूव करवाता है। व्हेन वी गिव पॉजिटिव चार्ज टू दिस स्फीयर, तो इसके अलग अलग पार्ट्स पे क्या आया, सेम नेचर का चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। देन दिस चार्ज स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब मूव करके जाएगा कहाँ पे, सरफेस पे, कंडक्टर को छोड़ नहीं सकता, तो टोटल चार्ज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एंड दिस कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बिहेव्स लाइक अ स्फेरिकल शेल। तो इसके लिए जो भी हम डेरिवेशंस करेंगे किसके लिए, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, सेम रहेंगे जो हमने स्फेरिकल शेल के लिए किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर इज सेम एज स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ऑन द सरफेस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट, एंड आउटसाइड क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मीन्स ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जो है वो क्या है, स्फेरिकल सेल की तरह बिहेव करेगा, वैसे ही डेरिवेशंस होंगे, ग्राफ प्लॉट करोगे सेम आएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, पहले हमने देखा था कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, अब है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये दोनों सॉलिड स्फीयर जो हैं इनके डेरिवेशन सीबीएसई के सिलेबस में कवर नहीं हो रहे हैं, ये डेरिवेशंस जो हैं सीबीएसई सिलेबस में नहीं हैं, इनको हम बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। और बाकी ये कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जो है उसको चार्ज करेंगे तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहेगा। लेट अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर सेंटर ओ, रेडियस आर, द चार्ज गिवन टू दिस सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटायर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसको जितना चार्ज देंगे वो पूरे का पूरा चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेंटर ओ, लेट रेडियस आर, देन चार्ज डेंसिटी। अब पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो यहां हम जो चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर रो, टोटल चार्ज गिवन टू दिस स्फीयर कैपिटल क्यू। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर व्हेन स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पे, इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड कोई पॉइंट है तो हमारे पास जो उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो इसकी रेडियस से ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे फिर आपको बता देता हूँ कि ये जो डेरिवेशन होगा ये क्या होगा, सेम एज स्फेरिकल शेल और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के जैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट्स वाई दिस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कंप्लीटली इनसाइड द गाउसियन सरफेस, पूरे का पूरा ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर गाउसियन सरफेस के अंदर होगा तो पूरे का पूरा चार्ज उसके अंदर रहेगा, तो जो डेरिवेशन आएगा वो सेम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सेकेंड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर व्हेन कैपिटल आर इक्वल्स टू स्मॉल आर, ये भी सेम रहेगा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, गाउसियन सरफेस इसकी रेडियस के इक्वल रेडियस का लेंगे तो
तो ये पूरे का पूरा चार्ज उस गाउसियन सरफेस में होगा। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर मैक्सिमम कांस्टेंट। नंबर 3, एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। अब है कि अगर ये पॉइंट पी जो था हमारा, ये क्या है, इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हो, मीन्स स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो अब हम क्या करेंगे, गाउसियन सरफेस इमेजिन करेंगे स्मॉल आर रेडियस का, एंड स्मॉल आर जो है इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के रेडियस से कम है, तो जो हमारे पास गाउसियन सरफेस रहेगा वो क्या रहेगा, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर रहेगा। तो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो इक्वल्स टू 3 क्यू बाई 4 पाई आर क्यूब। क्यू टोटल चार्ज जो है उसको हमने डिवाइड किया इसके वॉल्यूम से 4 बाई 3 पाई आर क्यूब से, 3 जो है वो ऊपर ट्रांसफर हो गया 3 क्यू बाई 4 पाई आर क्यूब। ये जो हमने स्मॉल स्फीयर ड्रॉ किया है, इट इज गाउसियन सरफेस हैविंग रेडियस स्मॉल आर, स्मॉल आर रेडियस का गाउसियन सरफेस है। एंड पॉइंट पी एट एनी पॉइंट ऑन दिस गाउसियन सरफेस, इसके किसी भी पॉइंट को हम पॉइंट पी ले देते हैं इसके सरफेस पे। तो यहाँ रेड डॉट से हमने यहाँ पे पॉइंट पी को शो किया है। टेक ए स्मॉल एरिया एलिमेंट, देन एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस डी एस वेक्टर रेडियली आउटवर्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इट इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। बट नाउ द चार्ज इनक्लोज्ड इन गाउसियन सरफेस स्मॉल आर रेडियस का जो स्फीयर है ओनली, उसके अंदर जितना चार्ज होगा वही रहेगा। लेट दिस चार्ज क्यू डैश अकॉर्डिंग टू गाउसियस लॉ, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बाई एप्साइलन नोट। सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन ई इनसाइड डी एस कोस थीटा इक्वल्स टू क्यू डैश है यहाँ पे, ये क्यू डैश क्यू डैश क्यू डैश द चार्ज टोटल चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस, छोटे स्फीयर में जितना चार्ज है। क्यू डैश इक्वल्स टू रो इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, ये कैलकुलेशन करेंगे हम, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्यू डैश की वैल्यू आएगी क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। देन इंटीग्रेशन ई इनसाइड डी एस कोस 0 इक्वल्स टू 1 बाई एप्साइलन नोट क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। कोस 0 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गाउसियन सरफेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट आउट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डी एस जो स्फीयर के लिए होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इधर आर का स्क्वायर है उस साइड स्मॉल आर का क्यूब है, तो एक आर हमारे पास बचेगा। तो ई इनसाइड इक्वल्स टू क्यू इन टू आर 4 पाई एप्साइलन नोट आर क्यूब। कैलकुलेशंस इजी है, हो जाएगी। तो ई इनसाइड किसके इक्वल आ गया, क्यू आर बाई 4 पाई एप्साइलन नोट कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर कांस्टेंट है, 4 पाई एप्साइलन नोट कांस्टेंट है, चार्ज क्यू टोटल चार्ज है यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है। तो क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ये हमारे पास वेरिएशन आ गया इनसाइड का भी, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्फेरिकल शेल के साथ, सिर्फ इनसाइड में डिफरेंस आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वहाँ पे 0 था। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, मीन्स वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर। हमने अपना सॉलिड स्फीयर ड्रॉ किया, ओ उसका सेंटर है, कैपिटल आर उसकी रेडियस है, एक्स एक्सिस जिस पे हम डिस्टेंस मेंशन करेंगे, वाई एक्सिस इसके अलोंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन आ जाएगा, डॉटेड लाइन जहाँ पहले जो रिप्रेजेंट किया था उसी को, मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ की डिस्टेंस जो है वो
कंडक्टिंग जो सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के रेडियस के इक्वल है, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर है, दोनों डॉटेड लाइन के बिटवीन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, उनकी साइड्स में स्मॉल आर कैपिटल ग्रेटर देन कैपिटल आर। ग्राफ प्लॉट करते हैं, इनसाइड अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है, ओरिजिन से पास आउट होगा तो दोनों साइड का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा अप टू आर इक्वल्स टू कैपिटल आर तक। यहां पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या रहेगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अगर हम आउटसाइड की बात करें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ग्राफ प्लॉट करोगे तो वही ग्राफ आएगा कर्व्ड लाइंस। अब इसके अंदर सरफेस के ऊपर आप लोग फॉर्मूला नोट कीजिए थोड़ा सा। हमारे पास फॉर्मूला है ई एस इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया है, यहाँ की बात नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्फेरिकल शेल की और कंडक्टिंग स्फीयर की, इन दैट केस क्यू जो है उसके टोटल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था एंड क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर जो है वो क्या बन रहा है, हमारे पास यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी बन रही है। तो ये हम उस कंडक्टिंग स्फीयर के केस में और स्फेरिकल शेल के केस में सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। थैंक्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।